अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो टाइम देखो 9:30 आज बज चुका है और कैफ भी यहीं है, ठीक है। मतलब अभी हम लोग दोनों भाई जो है ना वो काम पे निकलने के लिए रेडी है। और आज बहुत लेट हो गए क्योंकि रात भी सोने में लेट हो गए और मैं लेट ही आया था काम पे से 12:30 बजे। तो मेरे को है ना 1 बज गया था सोने में, ठीक है, 1 बज गया था। इसके लिए मैं जो है ना अभी लेट ही सो के उठा हूँ। और आज थोड़ा सा बात करने वाले अपन अलग टॉपिक पे। गाड़ी वैसे मैंने कर दी है स्टार्ट, और CNG जो है ना, ये देखो इतनी है तो मुझे CNG भी रिफ़िल करानी है। कैफ निकल रहा है, ठीक है, ये देखो कैफ निकल रहा है। आज थोड़ा सा अलग टॉपिक पे ये बात करने वाला हूँ भाई मैं, क्योंकि कुछ भाई है ना मैसेज करके कमेंट करके ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से जो है ना इसमें गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से काम धंधा नहीं है, और उबर ने जो है ना वो रेट गंदा कर दिया। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी वजह से नहीं है, हमारी वजह से नहीं है। ना हमने किसी को आने के लिए बोला है, ना कुछ है। हमने तो सिर्फ ओला उबर की जो है ना वो हकीकत आप लोगों को सबको दिखाई है कि भाई सही से काम करो तो काम होता है। क्योंकि कुछ लोग टीम इकट्ठी करके उधर बैठ के फालतूगिरी करके चाय के अड्डे पे, दुकानों पे बैठ के, और लोगों को जो है ना समाज में वो गलत बातें बता बता के उनको काम पट करते, अपना आप खुद भी काम नहीं करते और दूसरों को भी काम नहीं करते करने देते। उनको आईना दिखाने के लिए ये हमारे वीडियो बनाने का मकसद रहता है कि भाई ज़्यादा नहीं कम मिलेगा, कम नहीं ज़्यादा मिलेगा, बट मिलेगा आपको। लेकिन अभी कुछ लोग, अच्छा क्या है देखो, ये जो है ना ये देश के अंदर एक रोज़गार की कमी है, उस वजह से जो इसका मेन पर्पस है ना वो यही है कि देश के अंदर रोज़गार की कमी है, नौकरियाँ कम है, इसके लिए लोग हर जगह, ऐसा नहीं कि ये ओला उबर में या ड्राइविंग में ही लोग ज़्यादा आ गए हैं, हर जगह यही कंपटीशन है। लोगों को प्राइवेट जो IT में काम करते हैं ना उनको अपनी नौकरी बचानी मुश्किल हो रही, पता है आपको। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये ओला उबर में जो है ना इतने ड्राइवर भर गए, ये इसके लिए जो है ना तकलीफ हो रही है, तो ऐसा नहीं है भाई। हर जगह ओला उबर से लेके हर जगह एक के ऊपर एक लोग नौकरी पर चढ़े हुए। आप जो है ना मिलिट्री में जाके देखो, गवर्नमेंट ने भी पता नहीं क्या क्या स्कीम निकाल के उनका ये ख़त्म कर दिया। 4 साल की नौकरी है, 6 साल की नौकरी है मिलिट्री में। सोचो आप, मिलिट्री में भी ऐसा हो गया है। वो कौन सा वो लेके आया था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कानून, अग्निवीर देखो, अग्निवीर आया है। क्यों आया है भाई, वहाँ भी तो आया है। तो ये उबर ने भी रेट कम किया है, उन्होंने भी कम, वहाँ अग्निवीर निकाला है गवर्नमेंट। तो ऐसे ना जब नौकरियों की कमी होती है, काम की कमी होती है, तो लोग एक ही जगह, कोई इधर भागता है, जो जिसको जैसा काम आता है स्किल वो वहीं भागता है, और वहाँ बहुत लोग हो जाते हैं। तो फिर उसकी वजह से कंपटीशन होती है, कंपटीशन में फिर रेट गिरता है, पगारें गिरती है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ये ऐसा नहीं है कि यार हमारी वजह से जो है ना इसमें ज़्यादा लोग आ गए हैं। हम तो सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो अच्छे से काम करो, अपना घर चलाओ, और क्योंकि हमको थोड़े कमा के देने वाले आप लोग, अपना कमाएंगे, अपना रखेंगे, अपना घर चलाएंगे, हमको थोड़े कमा के देने वाले। तो भाई ऐसा नहीं है किसी के ऊपर ब्लेम करना। तो और मैं देखो, हम लोग है ना जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो ऐसा IT में से किसी को पिकअप करते हैं तो वो ग्रुप बैठ जाते हैं पीछे 2-3, तो वो लोग आपस में बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, वो लोग आपस में बात करते रहते हैं कि भाई ये नौकरी बचानी पड़ रही है, ये पॉलिटिक्स चल रही है, उसने ये बोला है, वो ऐसा वहाँ गेम खेल रहा है तो सैलरी कम हो जाएगी, ये दुनिया भर की उनके यहाँ भी टेंशन है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे ओला उबर में ड्राइविंग में ही सिर्फ ऐसा है, ये हर जगह ऐसे ही चल रहा है भाई। नौकरी बचानी मुश्किल पड़ रही है, सैलरी कम मिल रही है, ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ रही है। देखो ये 12-14 घंटे जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये IT वाले भी उतना ही करते, ओवर टाइम करते हैं बेचारे, उनका बॉस उनसे ओवर टाइम कराता है और उसकी सैलरी भी नहीं देता, सैलरी बोले आपको उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी है, ओवर टाइम भी करके जाओ 2-4 घंटा। कितने IT वाले हैं, कितने मिलते हैं, मुझे बताते भी है कि भैया नौकरी बचानी बड़ी मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि एक के ऊपर एक कम में करने को तैयार है लोग, IT में भी कम में करने को तैयार है। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ भी जाके हम लोग ही वीडियो बना रहे हैं उनकी कि भाई यहाँ पे आ जाओ IT में आओ, ये ऐसे ऐसे सेक्टर में यहाँ पे नौकरी है, यहाँ पे आओ आप, उनको थोड़ी बताते, या IT वाला कोई वीडियो थोड़ी बना रहा है। तो वहाँ पे लोग कैसे जा रहे हैं, ये कोई मिलिट्री वाला मिलिट्री में भर्ती होने के टाइम या भर्ती होने के बाद वहाँ वीडियो बना रहा है कि भाई आप जो है ना यहाँ पे आके लाइन में लगो, और ये भर्ती आई है आप यहाँ लाइन में लगो और आपकी जो आपको जो है ना ये नौकरी मिलेगी मिलिट्री की। वहाँ क्यों जाते लोग, मेहनत करते करते तैयारी करते दौड़ लगाते सीखते, कितना भाग भाग के सीखते बेचारे, पसीना निकालते, और वहाँ पे जाके ये लोग जो है ना लाइन लगाते भर्ती होने के लिए नौकरी के। क्योंकि हर आदमी को यहाँ नौकरी की, पैसे की, घर चलाने की ज़रूरत है भाई, ऐसा नहीं है हमने किसी को बोला है। हमने तो उन लोगों की हकीकत और उनको आईना दिखाने की कोशिश की है,
जो लोग बैठ के गप्पे लड़ाते, काम नहीं करते, यहाँ नहीं जाते, वहां नहीं जाते, दुनिया भर के नखरे दिखाते, नखरे जितने दिखाने के हैं उतने ही दिखाना चाहिए, एक्स्ट्रा नखरे दिखाएंगे तो नौकरी छिन जाएगी, रोजी छिन जाएगी, घर पे बैठ जाओगे आप, कुछ नहीं होने वाला है, आई समझ में? तो ये बहानेबाजी प्लीज छोड़ो आप लोग, और ये दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो, दूसरों को ब्लेम करने से बेहतर है अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, अपने कमाने पे ध्यान दो, ये दूसरों को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला है, ये घर वालों को चूतिया बनाना छोड़ो तुम लोग, समझे ना, घर वालों को चूतिया बनाना छोड़ो कि फला यूट्यूबर ये है उसकी वजह से बहुत लोग आ गए और मैं बाहर कब से खड़ा था 3 घंटे से मेरे को बुकिंग नहीं मिली। अरे ये कभी कभी होता है, काम कर रहे हो ना आप तो ये चलते रहता है, कम कम काम ज्यादा काम ये सब चलता है, इसको आप इसको अपनी जिंदगी में घुसा के और बहानेबाजी लगा के और लोगों को मत बताओ, ये गलत मत फैलाओ, काम है भाई 19-20 होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। सोचो आप अगर 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हो, 15 हजार, आज कोई भी दुकान पे आप नॉर्मल जिसको कोई काम नहीं आता, जिसको कोई हुनर नहीं है, वो नॉर्मल दुकान पे काम करेगा तो उसको 15 हजार रुपए से ऊपर सैलरी नहीं मिलने वाली है। इसमें अगर दूसरे की गाड़ी चला के भी 20-25 हजार रुपया कमाता है, 22 हजार 25 हजार कमाता है कोई ड्राइवर, तो क्या बुरा है? मन मर्जी भी रहती है, टाइम टेबल भी रहता है और घूमता फिरता भी है, एसी में भी बैठता है, इनके बाप को भी ऐसी नहीं मिलेगी 12-15 हजार कमाने वालों को कभी जिंदगी में, पता है आपको? कभी ऐसी नहीं मिलेगी, यहाँ पे गाड़ी में आके एसी में बैठते चलाते गर्मी भी नहीं लगती, कितनी गर्मी होती है, दिन भर पसीना नहीं आता, एसी में आराम से बैठे रहता है, पैसा भी मिलता है और परेशानी से भी दूर रहता है। तो भाई प्लीज ये आप लोग छोड़ो यार, ये बहानेबाजी, अब इतना मैं अभी आपको क्या बोलूं, ठीक है? प्लीज किसी को कमेंट करना बंद करो, अपने काम पे ध्यान दो, और मैं जो है ना अभी आपसे आपको मिलता हूँ थोड़े टाइम के बाद, अगर किसी भाई को बुरा लगा मेरी बात तो उसको माफी चाहता हूँ भाई, बुरा लगने से बेहतर है अपनी जिंदगी को सुधारो, अपने आप को सुधारो, और मैं मिलता हूँ आपको अभी, दिन भर का जो भी काम करने वाला हूँ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, कितना अर्निंग करेंगे वो भी आपको बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने की कोशिश करेंगे, और मैं जाता हूँ खारघर CNG रिफिल कराता हूँ और फिर आपका दिन भर का बताता हूँ आपको। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल, ये देखिए ब्रो 1663 रुपये का काम हो चुका है और मैं अभी रिलायंस कॉरपोरेट पार्क घनसोली में हूँ, ठीक है? कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया यहाँ पे और मुझे लगी थी भूख, टाइम देखो 4:16, मतलब 4 बजे मैंने ड्रॉप किया, भूख बहुत तेज़ लगी थी, अभी खाना खाया यहाँ पे और डिवाइस अभी जस्ट ऑनलाइन किया हूँ, जब आपको दिखाया तब, अभी देखते हैं यहाँ से। एक्चुअली जैसे ड्रॉप कर रहा था ना मैं, ड्रॉप करते ही मुझे आई 1-2 बुकिंग, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि भाई मैंने मुझे खाना था खाना, मैंने डिवाइस को कर दिया है ऑफ, और अभी देखो CNG जो है ना वो इतनी हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं CNG यहाँ पे वहाँ पे मैं नहीं तो यहाँ पीछे रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क के इधर ही एक CNG पंप है, यहाँ पे CNG रिफिल करा लेता हूँ और फिर देखता हूँ कोई अच्छी सी बुकिंग कहाँ की आएगी, बताएंगे। और बुकिंग जो है ना देखो, पहली बुकिंग मैं आपको बताता हूँ कहाँ की लगी है, भाई आ जाओ चलो, देखो पहली बुकिंग लगी मेरे को गो सेडान में 48 किलोमीटर 669 में, दूसरी बुकिंग लगी मेरे को 16 किलोमीटर 1 घंटा 13 मिनट जुहू, क्योंकि मजगांव और मस्जिद बंदर से निकलना ज़रूरी था, ठीक है? फिर तीसरी बुकिंग लगी 238 में 10 किलोमीटर 48 मिनट, और तीसरी बुकिंग लगी मेरे को ये वाली 29463 गोरेगांव वेस्ट घनसोली। चलिए गाइस फिर मैं आपको जो है ना आगे का शेड्यूल जो है ना वो बताता हूँ, अभी तक अर्निंग जो है ना ठीक ठाक ही हो गई है, और आज तो जुमेरात का दिन है, कल छुट्टी है फ्राइडे जुमे को, तो लेट नाइट तक ही काम करने वाला हूँ, कितना काम हो पाता है वो आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे, और अभी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट बुकिंग के बाद। चलो बाय, ड्रॉप हो गया फाइनली, किधर मालूम है? महालक्ष्मी रेस कोर्स के सामने जो HDFC का बैंक है ना वहाँ पे ड्रॉप किया मैंने, घनसोली से लेकर आया ये, इसमें 38 किलोमीटर में कितना दिया मालूम है? 509 रुपये दिखाया था, 489 दिया। अच्छा यहाँ आते ही मेरे को एक 6 किलोमीटर 250 रुपये में दिया था दादर, अभी देखो ये आई वापस से 828 रुपये में आई है ये गाइस, ये देखो ये देख सकते हैं आप लोग, और इसमें टाइम जो है ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन अभी अपने को तो क्या लेट तक करना है तो फिर टेंशन नहीं है, चले जाता हूँ, 828 रुपये दिखाया है ले लेता हूँ, ठीक है? चलिए फिर निकलता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और
बुकिंग कैंसिल होने के भी चांसेस है, तो मैं आपको फिर मलाड वेस्ट जा के मिलता हूँ। 818 रुपये दिखाया, कितना मिलेगा कुछ पता नहीं, 29 किलोमीटर दिखा रहा था भाई। मुलुंड में हो गया अपने को बहुत टाइम, काफ़ी टाइम मुलुंड वेस्ट में, और बुकिंग का नामो निशान नहीं है। टाइम जो है ना वो रात में बज गए 11, रात के बज गए 1:45, प्यार मोहब्बत होने दो 11 बज चुके हैं, अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है मुझे, ना फोर्ट साइड की आई है ना ही नवी मुंबई की आई है। एक आई थी डोंबिवली की, वो मैंने लिया नहीं, उसके बाद कोई बुकिंग नहीं बजाया, क्योंकि कुछ लोग क्यों क्या नवी मुंबई में फंसे थे, बोरीवली साइड भी एक दो लोग फंसे हुए थे जिनको बुकिंग दो दो ढाई ढाई घंटे के बाद मिली है। बट मेरे को लग रही थी बुकिंग कंटिन्यू, ठीक है, मैंने अंधेरी ड्रॉप किया वो मलाड वेस्ट, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के वहाँ से लेके गया मलाड वेस्ट से सायन, और सायन से तुरंत मतलब ड्रॉप करने से पहले ही बुकिंग बजा रहा था भाई। मलाड में भी मेरे को ड्रॉप करने से पहले बजाया और सायन में भी मेरे को ड्रॉप करने से पहले बजाया, किधर मुलुंड वेस्ट, तो मुलुंड वेस्ट भी अपना ड्रॉप हो गया और यहाँ पे कर रहा हूँ कोई अच्छी बुकिंग का वेट, जैसी आएगी तो आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो जिन लोगों ने नहीं किया है, सबसे पहला काम, और फिर दोस्तों के साथ में शेयर करो, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। और घर पे जाने का टेंशन जरा भी नहीं, क्यों, क्योंकि कल अपनी जो है ना छुट्टी है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करेंगे, और थकने से पहले मतलब ज़्यादा नींद आने से पहले पहले घर पे पहुँच जाएंगे। एक चलो भाई, ये देखो कैफ, ए कैफ बड़ा हुआ सो रहा है अभी तक, ये देखो अभी तक ये जो है ना सो के उठा नहीं है, और टाइम देखो क्या हो गया, 10 बज गए, और भाई साहब मैं ना अभी सो के उठा हूँ, कब से मतलब रात में जो है ना नसीम ने ऐसा दौड़ाया खारघर में खाना खाने के लिए, कभी इधर कभी उधर, और सब कुछ हो गया था बंद, 12:30-1 बज गया था खारघर में, फिर फाइनली एक होटल खुला मिला, वहाँ पे खाना खाया और 2 बजे घर पे आया था, 2 बजे 12 बजे खारघर पहुँच गए थे हम लोग, बट 2 बजे घर पे आया था, 2 घंटे में 2 घंटा उसने इधर उधर दौड़ाया, और अर्निंग तो भाई गजब हो गई थी, मतलब बहुत दिन के बाद एक्चुअली क्या है 4,000 रुपये देखने को नहीं मिल रहा था बहुत दिन से, बट अभी 2 दिन से 4,000 का अर्निंग अपना हो रहा है। तो कल जो अपनी अर्निंग हुई है ना वो 4,200 रुपया बनी है, 4,200 रुपये CNG 1,000 की गई है, 1,000 की CNG में 4,200 की अर्निंग, और 250 किलोमीटर गाड़ी चली है कल। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो दोस्तों के साथ में, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे।